सो गाइस देखिए, मैं मक्का में घुसी हूँ और खीरा का इंतज़ार कर रही हूँ। खीरा एक मिला था मेरे ब्रदर जी को, कल मेरे को भी मिला था, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जब एक हाथ से हम ब्लॉग बनाएंगे, एक हाथ से खीरा खोलेंगे तो खीरा थोड़ी मिलता है। दो चार दिन के बाद में ना खीरा तमाम फटेगा। देखिए कितने फूल हैं, ये देखिए खीरा बकरा किसके किसके यहाँ मक्का होता है, किसके किसके यहाँ खीरा होता है, कमेंट कमेंट्स में बताइए आप लोग। यार हम लोग बहुत पहले से खीरा ढूंढने लगे और बहुत फास्ट में मैं ही खीरा खाई थी। अब एक हाथ से ब्लॉग बनाते हैं, एक हाथ से खीरा ढूंढते हैं, थोड़े नहीं मिलेगा। देखिए अब ऐसे टाँके इधर आ गए, ध्यान से कुछ ढूंढना पड़ता है ना। पूरा हरियाली है तो हरियर खीरा थोड़ी मिलेगा यार, कभी कल दिख जाता है कभी कल नहीं दिखता है। ढूंढने का मन नहीं कर रहा है ना, काफी तो मिल ही जाता है। मेरे गले में पता नहीं कैसा लग रहा है यार। हे भगवान, चल रहे हैं। मिलेगा तो है नहीं, तो चलो देखते ही हैं। दो चार 10 दिन के बाद में खीरा तमाम करेगा हमारे यहाँ। रात में कुछ तो ज्यादा खाने लगेगा, पछार है ना। वैष्णव पिरकी है यहाँ पर, पिरकी नहीं है यार, वैसे ही था। मेरा एक गला पता नहीं कैसा लग रहा है यार, बुखार ना आ जाए मेरे को। माय गॉड, ओह अब बैठने का मन कर रहा है मेरे को, मुझे से चला नहीं जा रहा है इस समय, इसीलिए कपड़ा ढील पड़ रहा है। क्या करें, बैठ जाए मक्का में। डर लगता है यार, पत्थर यहीं पर बैठते हैं, मेरे चला नहीं जा रहा है, तो क्या ही बताएं हम। हे भगवान क्या जुल्म है। किसके गांव में मक्का बोई जाती है, किसके किसके गांव में, मतलब बारिश वाली मक्का तो हर किसी के गांव में बोई जाती है, जो ज्यादा सिटी शहर वाले होंगे वही। हम लोग गांव से है ना, इसीलिए हमारे घर शादी थी, बारिश वाली शादी, बरसात में हुई थी, नहीं तो अगले मक्का खीरा तो इतना रहता ना, कसम से अब खाने से नहीं चुकता वो। लेकिन शादी, बारिश में शादी हो रही थी, शादी के बाद सब बोया गया था, इसलिए पछार है। बैठे हैं पीछे, पूरा चारा चारा है देख लीजिए, और हम यहाँ से हटते हैं, डर भी लगता है, क्या पता कोई जानवर छिपा होगा, तो हम बस हमें से बुझक जाते हैं उस पर।
तार लगाया जाता वाला। यहीं पर बहुत सारे खुखड़े उची थी एक दिन, इतना खुखड़ी सब दूसरे लोग उचा लिए थे, मम्मी उसके ध्यान से उचे नहीं। देखिए हमारे यहाँ कितना गधरौला है ना।